तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो मैच है वो ग्लोबल स्टार्स वर्सेस एएसआरके स्पोर्ट्स क्लब के बीच में खेला जा रहा है। बहुत ही लीग का दूसरा मैच स्पोर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में खेला जा रहा है। मुकुल होंगे बॉलर, हमसे दूर वाले शॉट से बॉल करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ ब्रेक है, तो बहुत अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं। तो 14 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 67 रन बन गया, 67 रन। और ये बहुत ही अच्छी बॉल थी, वहां पर खेलने का प्रयास नहीं किया बिल्कुल, उसको रोकने के लिए गए थे लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अभिषेक मिश्रा चूंकि विकेट कीपर है इस समय, तो ये लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं मुकुल चौधरी। इसी बीच मुकुल ने, और ये रन आउट होने खतरा हो सकता है, थोड़ा सा मिस टाइम जरूर हुए, अगर फर्स्ट हैंड में आई होती तो जरूर ये कैच आउट होते। यहां पर एसआरके स्पोर्ट्स क्लब ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी किया करने का निर्णय लिया और उनका निर्णय कुछ हद तक अभी तक अच्छा साबित हो रहा है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा गंदी फील्डिंग जरूर वहां पर दिखाया अखिलेश ने ओवर की समाप्ति। तो 15 ओवर की समाप्ति पर 68 रन हो गए हैं एक विकेट के नुकसान पर एसआरके स्पोर्ट्स क्लब का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज के ग्राउंड में यह मुकाबला चल रहा है, बाबू बनारसी दास क्रिकेट प्रतियोगिता लखनऊ के तरफ से अपना दूसरा मैच ग्लोबल स्टार्स खेल रही है। एक मैच हार चुकी है ग्लोबल स्टार्स, 3 मैच लीग के खेलने हैं उनको, और ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो मैच नहीं जीतते हैं तो श्रृंखला से बाहर हो जाएंगे, तो आज इनको अपना दमखम लगाना पड़ेगा और मैच को जीतना पड़ेगा। तो अब बॉल करने के लिए आए हैं राजा दचपाल, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करेंगे। बैट्समैन अभिनव कुमार 23 बालों पर 28 रन बना के खेल रहे हैं अभिनव कुमार, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिनव। गोविंद 22 रन पे खेल रहे हैं और ये एक अच्छी बॉल थी, स्लिप के जानी खड़े खिलाड़ी ने उसको फील्ड किया पार्थ चंद शुक्ला ने। तो बहुत ही लाजवाब तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक। 15 ओवर 68 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, 16वां ओवर चल रहा है और ये उछाल के मारा है निश्चित रूप से, और ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग किया मुकुल चौधरी ने और अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। दोनों बैट्समैन दौड़ करके पूरा कर लिए। तो सर्किल में था प्लेयर इसलिए कैच होने का खतरा नहीं था। 70 रन हो गए हैं स्कोर। इसी बीच अगली बॉल राजा दक्षपाल की, और ये बहुत अच्छी गेंद थी और ये अपील किया वहां पर, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम, एम्पायर ने उसको खारिज किया। अपील जरूर किया था राजा दक्षपाल ने, बहुत ही अच्छी गेंद डाली थी, बहुत ही टॉप स्पिन था, बहुत बढ़िया बॉल थी, सीधे पैट पर टकराई लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, इसलिए एम्पायर ने उस पर संदेह नहीं किया। इसी बीच राजा दक्षपाल अगली बॉल करने के लिए तैयार, और ये बहुत अच्छी गेंद थी, उसको सीधे हाथों से खेला, बस डिफेंस कर दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभिनव कुमार, 30 रन पे खेल रहे हैं, 27 बॉल पर 30 रन बना करके खेल रहे हैं अभी। इसी बीच अगली बॉल, और ये फिर डिफेंस किया वहां पर अखिलेश ने फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 16वां ओवर चल रहा है, स्कोर 70 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अगली बॉल, और ये उछाल कर मारना जरूर चाहते थे लेकिन वहां पर बीट हुए बैट्समैन। ओवर की समाप्ति, 16 ओवर 70 रन एक विकेट के नुकसान पर एसआरके स्पोर्ट्स क्लब लखनऊ का। तो जो करेक्ट रन रेट है वो 4.38 का चल रहा है,
अगर इस एवरेज से ये बैटिंग इसी एवरेज से करते रहेंगे तो समथिंग 40 ओवर में 175 175 रन लगभग बनेंगे, एक उम्मीद जताई जा रही है। पर अगर अच्छी गेंद करते हैं और जल्दी से विकेट निकालते हैं तो निश्चित रूप से ग्लोबल स्टार्स के लिए बेटर होगा। अगर ग्लोबल स्टार्स विकेट निकालती है तो फिर वो मैच में बने रहेंगे, क्योंकि उनका ये मैच जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं जीतेंगे तो टूर्नामेंट में बने नहीं रहेंगे, तो मुकुल होंगे बॉलर। इसी बीच हमसे दूर वाले शॉट से बॉल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बॉल थी लेकिन वहां पर खेला अमरचंद ने फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा इस समय कर रहे हैं ग्लोबल स्टार्स के सारे प्लेयर। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर एक बार फिर, और ये स्वीप करना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बैट पर आई नहीं। गोविंद यादव थोड़ा सा 49 बॉल खेल चुके हैं और दो चौके लगाए हैं, 22 रन पे खेल रहे हैं। और ये फिर बीट हुए मुकुल की गेंदों का। मुकुल बहुत ही अच्छे ऑफ स्पिनर हैं तो ग्लोबल स्टार्स की तरफ से, और अच्छे एक बैट्समैन भी। इसी बीच अगली बॉल मुकुल चौधरी और हल्के हाथों से खेला, वहां पर कुलदीप अवस्थी मौजूद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। चार गेंदे कर चुके हैं अभी तक मुकुल चौधरी, एक भी रन नहीं दिया है, अभी भी स्कोर रुका हुआ 70 के स्कोर पर। और ये उछाला जरूर है, वहां कैच होने का खतरा हो सकता था जरूर, लेकिन वहां फिल्टर दौड़े हुए हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सत्यम साहू ने उसको कलेक्ट नहीं कर पाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ा सा नाखुश जरूर होंगे इस समय मुकुल, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन वहां पर फील्डर ने साथ नहीं दिया तो स्कोर उछलता हुआ 74 लॉस फॉर 1 विकेट 17 ओवर इन प्रोग्रेस। तो काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं और थोड़ा सा मिसफील्ड किया यहाँ पर ग्लोबल स्टार्स के खिलाड़ियों ने। तैयार हो रहे हैं बैट्समैन गोविंद यादव, 26 पर पहुंच गए हैं, 52 बाले खेली हैं अभी तक, 26 रन बनाया है। और ये फिर उछाला, वहां पर मौजूद है कुलदीप अवस्थी ने फील्ड किया बॉल को, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया यहां पर ओवर की समाप्त। बहुत ही अच्छा शॉट खेला वहां पे राजा दक्ष पाल की गेंदों का, एक रन दोनों बैट्समैनों ने स्ट्राइक चेंज किया, स्कोर जाके पहुंचा 75 रनों पर। राजा दक्ष पाल, ये बहुत अच्छी बॉल थी, ऑफ स्पिन कराया था लेकिन लेफ्ट आर्म बॉलर है राजा दक्ष पाल तो कुछ बहुत अच्छी बॉल करते हैं अपने टीम की तरफ से, ग्लोबल स्टार्स की तरफ से बॉल करें। इसी बीच अगली बॉल, और ये छोटी गेंद थी उसको मारना जरूर चाहते थे लेकिन वहां पर अखिलेश ने बहुत सफाई से फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 75 रन बना चुके हैं एसआरके स्पोर्ट्स क्लब लखनऊ ने। इसी बीच अगली बॉल राजा दक्ष पाल और हल्के हाथों से फिर वहीं पर सत्यम साहू मौजूद, रन लेने का कोई खतरा नहीं कोई नुकसान नहीं। अच्छी बॉल कर रहे हैं अभी तक राजा दक्ष पाल। इसी बीच अगली बॉल, ये अच्छी गेंद थी वहां पर फिर खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया अखिलेश यादव ने, फील्डिंग और बॉलिंग इस समय थोड़ा टाइट जरूर कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से, और ये स्वीप करना चाहते थे वहां पर सनम जौहर और पाचन शुक्ला ने दौड़ जरूर लगाई लेकिन सही तरीके से फील्ड किया, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत ही लाजवाब मौसम है क्रिकेट का, स्पोर्ट्स कॉलेज गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के ग्राउंड पर यह मैच खेला जा रहा है ग्लोबल स्टार्स वर्सेस एसकेएस। और ये गेंद वाइड बॉल निश्चित रूप से,
एसआरके स्पोर्ट्स क्लब और ग्लोबल स्टार्स क्लब के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं एसआरके स्पोर्ट्स क्लब। 78 रन बना चुके हैं अभी तक और ये उछाल कर मारा जरूर है वहां पर गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई। दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रन। लाजवाब शॉट था यहाँ पर 4 रन। मुकुल है बॉलर, 91 रन बना चुकी है एसआरके स्पोर्ट्स क्लब लखनऊ ने 19 ओवर पर 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्पोर्ट्स कॉलेज ग्राउंड का नजारा काफी बेहतरीन, यहीं से ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के बगल में मौजूद। और ये 20वां ओवर लेके कौन आता है देखने वाली बात है। आए हैं बॉल करने के लिए राजा दच्छपाल। राजा दच्छपाल है राजा दच्छपाल बॉल करेंगे हमसे दूर वाले छोर से और ये उछाल कर मारना जरूर चाहते थे लेकिन बॉल बहुत सटीक एकदम स्टंप पर सीधे हाथों से खेला वहां पर कलेक्ट किया राजा दच्छपाल ने। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है राजा दच्छपाल। गोविंद यादव 59 बॉल पर 27 रन बना खेल रहे और वहां पर मौजूद है खिलाड़ी और ये रन आउट होने का खतरा हो सकता था लेकिन वहां पर सुरक्षित गोविंद ने 1 रनों से स्ट्राइक चेंज किया। 43 रन बना करके खेल रहे हैं 36 बॉल पर अभिनव कुमार जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं ओपनिंग करने के लिए आए थे अभी तक ग्राउंड में मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छी बॉल थी राजा दच्छपाल की। 20वां ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं राजा दच्छपाल। और ये इसको हिट किया है निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हिट लगाया यहाँ पर। तो 34 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हो गया है 200 और 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा बल्लेबाजी किया यहाँ पर और एसआरके स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से सबसे अच्छी बल्लेबाजी किए हैं अभिषेक कुमार जो कि 75 बॉलों पर 93 रन बनाए हैं 93 रन बना करके आउट हुए तो उनका काफी योगदान रहा अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग किया 93 रन बना करके पवेलियन वापस गए अखिलेश की गेंद पर। अखिलेश है बॉलर। अखिलेश जी आखिरी अपने इस फील्ड का आखिरी ओवर फेंकेंगे 8वां ओवर फेंकेंगे अखिलेश तो सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं अखिलेश ग्लोबल स्टार्स की तरफ से। और ये कैच होने का खतरा और ये निश्चित रूप से कैच बहुत ही लाजवाब कैच लिया मुकुल ने कैच लिया है मुकुल चौधरी ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर अखिलेश ने 7 ओवर 33 रन देके 3 विकेट लिए हैं। बहुत अभी 7 ओवर 1 गेंद फेंका और उनको 4 विकेट मिल चुके हैं तो अभी तक बहुत अच्छे बल्लेबाजी की। नेक्स्ट बैट्समैन जो है वो जा रहे हैं आर्यन। बहुत अच्छी फील्डिंग बॉलिंग किया है अभी तक ग्लोबल स्टार्स ने पकड़ लिया है मैच में जल्दी जल्दी 3-4 विकेट गिराए सर्वाधिक रन बनाए हैं। दो सौ 3 रन हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। गोविंद यादव ने 32 रन बनाए हैं
सिर्फ एक रन दौड़ करके लिया। अखिलेश अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, 4 विकेट ले चुके हैं अखिलेश। टोटल स्कोर हो गया है 241 रन 9 विकेट के अनुसार। लास्ट ओवर की जो जिम्मेदारी है राजा दक्षपाल के ऊपर है, और ये बहुत ही नीची रही, वहां पर डिफ्लेक्ट हुए हल्का सा, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। पारचंद शुक्ला ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी ओवर चल रहा है राजा दक्ष के द्वारा, 242 रन 9 विकेट के नुकसान पर, 39 ओवर हो गए, 40वां ओवर चल रहा है मैच का, आखिरी ओवर दक्षपाल के द्वारा। तो राजा दक्षपाल बॉल करने के तैयार इसी बीच, और ये उछाल कर मारा एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से, वहां पर मौजूद है अमरचंद, और ये कैच ले लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, कैच पकड़ लिया। ऑल आउट हो चुकी है टीम, 3-4 गेंद पहले, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी जरूर। 242 रन हो गया है स्कोर 9 विकेट के, 10 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही SRK स्पोर्ट्स क्लब लखनऊ के। तो अब दूसरी इनिंग में मिलेंगे जो बल्लेबाजी करेंगे जो है यहाँ पर खिलाड़ी, तो बढ़िया बैटिंग है अभी ग्लोबल स्टार्स के पास में, अच्छे से बल्लेबाजी करेंगे तो यहाँ पे मैच में मजा जरूर आने वाला है। और ये अगर उनके लिए डू एंड डाई का मैच है, अगर वो अच्छे तरीके से बैटिंग नहीं करेंगे आज तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, BBD लीग से बाहर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे खिलाड़ी अब वापस ड्रेसिंग रूम में आते हुए थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं दूसरी इनिंग के साथ। थैंक यू।